मृत्यु हो गया 2016 के बाद। 2016 के बाद आपके पिता को क्या हुआ? सूखते चले गए और उनको क्या बताया था डॉक्टरों ने? शुगर बताई थी। ये आपके मतलब एक तरह से खानदानी सा चल गया तो है। डॉक्टर क्या कहते हैं कि आपके पिता से आपको आई है? तो आप ये कब से हो रहे हैं? पिता के जाने के बाद से। तो डॉक्टर इसको जेनेटिक तो नहीं बोल रहे हैं? डॉक्टर को बताया नहीं आपने मेरे पिता बीमार रहते थे? अच्छा, जब से ये रोग हुआ है आपको सबसे ज्यादा इस रोग में परेशानी क्या आती है? एक दूसरा चलने में क्या दिक्कत आती है और वो दिक्कत उत्पन्न कहाँ से होती है? मान लिया मैं चल रहा हूँ, ठीक है, और चलते चलते एक तो मेरे पैर लड़खड़ा रहे हैं लेकिन मुझे दर्द कहीं नहीं, और एक मुझे दर्द है नीचे से लेके पैरों में ऊपर तक, या मुझे इतनी पीड़ा कहीं पे है एक्यूरेट किसी पॉइंट पे, या मेरे घुटने में कि मैं चलता हुआ लड़खड़ा जाऊँगा, बताइए। इतना सुन होता रहता है पैर और पाँव उठाने का दिल नहीं करता, तो क्या पैर में दर्द भी होता है? कम होता है या ज्यादा होता है? आप जब मेरे सामने बैठे तब आपको क्या था? अभी मेरे सामने बैठे ना, आपने मुझे क्या बताया था? पैरों में कहाँ तक दर्द बताया था? ऊपर कम है, नीचे की तरफ ज्यादा है, एक आपको नींद नहीं आ रही, लेकिन शुगर के रोगी को तो नींद आती है। 15-15 दिन नहीं सोते, तभी आप सूखते जा रहे हैं, तब डॉक्टर आपको क्या कहता है? गोली दवाई में क्या देता है? आपने कौन से डॉक्टर से आपका इलाज चल रहा है? निम्बस तो नहीं है? NIMBUS निम्बस। अच्छा, फिर वो क्या कहते हैं डॉक्टर? पैरों का वर्जिश किया कर, हाँ, क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो कितने दिन वर्जिश करते होगे और कितने दिन पहले एक्सरा कराया? 2 महीने हो गए। और वर्जिश कौन करा रहा है आपकी? वर्जिश कर नहीं करता। डॉक्टर तो नहीं कर रहे? नहीं है ना, आजकल एक फिजियोथेरेपिस्ट इन्होंने अलग से निकाल दिया एलोपैथी वालों ने कि ये फिजियो है भाई, ठीक है ना, उसने जो हमारे मालिश करने वाले थे उनको तो दिया त्याग और फिजियो को रख लिया। बोले भाई ये बेलन ले रहे हैं, चकला ले रहे हैं, इनके इनमें छेद हैं, ऊंचा नीचा वो है, इनके पास पैड है, इनके पास ऐसे ऐसे आइटम है, आप रखो, पैरों को घुमाओ, ऐसे हिलाओ, ये करो वो करो, आपके दर्द चले जाएंगे। उससे दर्द नहीं गवाया क्यों? मेरे पास चले आए ऐसे ही। अभी सुन पना कर, थोड़ा सा यहाँ, इसका मतलब ये घट रहा है। कैसे घट रहा है? मैंने तो हाथ नहीं लगाया अभी तक, आपको लगाया है? हाथ नहीं लगाया आपने, क्या देखा बेटा? हाथ नहीं लगाया है, दूर से ही बात की, हाथ नहीं लगाया। आपके केस में मुझे लगता है माइनोर इनके साथ अत्याचार हो रहा है, वो भी डॉक्टरों के द्वारा। वो क्यों? क्योंकि इनको रोग तो डॉक्टरों का है नहीं, जो रोग केवल आपके जाप से, आपके नाम मात्र मात्र के जाप से माइनोर जो रोग दूर हो रहा है और जो इसके शरीर को छोड़ता जा रहा है, मेरे प्रिय भगवान, मेरे शरीर है महाराज, वो इसके शरीर से बाहर निकलने लगा है, और जो सुनपना और दर्द है वो इसके खाली पंजों की अंगुलियों में रह गया। माइलोड ऐसा ही है, हैं? ऐसा ही है। तथाकथित मैं बता दूं, अगर डॉक्टर ही पूछे तो माइलोड इसको निगेटिविटी है, कितनी है ये बाद में पता चलेगा, अभी उसका संज्ञान जारी है और उसका संधान भी जारी है, संज्ञान और संधान दोनों चल रहा है। माइलोड आपके नाम से इसकी ऊर्जाओं में कितना फर्क आता है वो भी चलेगा माइलोड, लेकिन मुझे लगता है कि इसको अनिद्रा जो कारण है वो शुगर के कारण नहीं है, क्योंकि किसी भी डॉक्टर ने आज तक ये नहीं बताया अगर आपको शुगर है तो आपको 15-15 दिन नींद नहीं आएगी। माय लॉर्ड, मैं यूं कहूं तो आपकी बेटी को भी शुगर है,
लेकिन उसको नींद भी आती है, वो अच्छे से सोती है। हालांकि अब उसका शुगर हमेशा कंट्रोल में रहता है, लेकिन एक टाइम में उसके शुगर के कारण उसकी आंखें चली गई थी, जिसमें डॉक्टर उसका आंख का ऑपरेशन कर देना चाहते थे। माय लॉर्ड, मैं खुद भुगत भोगी हूँ इस विषय में, और इसलिए आपको बताता हूँ कि इसका संज्ञान ले, इसका संधान करे, और जो एलोपैथी का चिकित्सक है उनकी जो मशीनें हैं उनको आप एक ही दिन में अग्नि वर्षा करके चला दें, क्योंकि वे झूठ बोलने लगी है, और इतनी झूठ बोलने लगी है, क्या कहते हैं कि लोग उससे बर्बाद हो रहे हैं, लोगों का समय और पैसा एलोपैथी चिकित्सा से बर्बाद हो रहा है। माय लॉर्ड, मैं यूं कहूं तो माइग्रेन का इनके पास कोई एक्यूट इलाज नहीं है, और सर्वाइकल का इनके पास कोई एक्यूट इलाज नहीं है, और माय लॉर्ड किसी भी रोग का इनके पास कोई इलाज नहीं है। माय लॉर्ड, मैं देखता हूं, एक बार ज्वर आके बार बार ज्वर आता है, मैं देखता हूं कि जितना लाभ हमें तुलसी के पत्तों से मिलता है, माय लॉर्ड ये सारे चोर टाइप हैं, मुझे लगता है ये सारी कंपनियां भी झूठी हैं। माय लॉर्ड, जब मेरा जन्म हुआ था तब कोलगेट जैसी कंपनी हमेशा ये कहती थी कि अगर आप नमक से कोलगेट कर रहे हैं, नमक से दातुन कर रहे हैं, तो आपके दांत गल सड़ जाएंगे। लेकिन आज माय लॉर्ड वही कंपनी, हमारी यादाश्त मैं दुरुस्त कर देता हूँ अपने बुजुर्गों की भी, वही कंपनी कहती है कि आपके टूथपेस्ट में नमक है, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, ये कह के वो अपना टूथपेस्ट बेच रही है। माय लॉर्ड, अब हल्दी और नमक वाली ये वो बेच रहे हैं, तो यहीं से अंदाजा लगाया जाए कि हम सब के साथ छल हो रहा है, हम सब के साथ ये लोग पाखंड कर रहे हैं, हमारे विश्वास को ये अंधविश्वास बता रहे हैं, और हम जो इन पे विश्वास करें अंधा होकर, और ये हमारा सत्यानाश करे, हमारे धन का, हमारे समय का, हमारे पैसे का। माय लॉर्ड, डॉक्टरों से इसके पैसे वापस कराए जाए, इसको 4 गुना मुआवजा दिया जाए माय लॉर्ड, क्योंकि डॉक्टरों से इसका कोई इलाज सफल नहीं हो रहा है। मुझे ये बताएं अभी सुनपना कहाँ है? काम होता जा रहा है, और भी अभी तो मैं जाप भी नहीं कर पा रहा हूँ, नाम भी नहीं ले पा रहा हूँ। माय लॉर्ड, अब देखिए हम इनके कान में आपका नाम लेके फूंक लगाते हैं जय शनिदेव, और ये महसूस करेंगे जहाँ भी इनको निगेटिविटी होगी उसका संधान इनको खुद पता चलेगा कि मेरे शरीर में यहाँ पे निगेटिविटी है। जी राजकुमार जी, क्या हो रहा है? सर में लगी, पैरों में गई, झन 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 कहाँ हुआ, और सर में भी गई, पैर में, कमर में, पेट में, कहीं भी, ऐसा हो सकता है कि आपके शरीर से पूरी बाहर निकल गई तो कान में भूख लग रही है। अब देखिए कहाँ पे है, खड़े होके चलिए, महसूस कीजिए यहाँ से सीधे जाके। जगह दे दो भाई बीच में। तुम क्यों बैठ गए भैया, तो घर जाने का टाइम हो गया, जाओ घर। मैंने तुम्हें बोला तुम काम काम में डिस्टर्ब हो रहे हो, खड़ा कर रहे हो, हमें तो कर रहे थे वीडियो बनाते हुए। टोपी भी खाओ, केला भी खाओ, तुम ऐसे मत करो मेरे साथ। ले, हाँ ले ले माता। बताओ भैया कैसा प्रतीत हो रहा है? बताओ भैया, कनपटी में हो रहा है। कनपटी में क्या लग रहा है? सुनसना झंझनाट सा। अच्छा, पैरों का क्या रहा? जब यहाँ पे हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि आपको अनिद्रा आ रही है, और निद्रा का सारा संबंध यहाँ से है, यहीं से है ना। अब यहाँ पे हो रहा है ना, बाद में पता चल रहा है ना, तो आपको नींद क्यों नहीं आ रही है, इसका मतलब निगेटिविटी से। पैरों में आपके कुछ भी होना बंद हो गया तो इसका मतलब आपको निगेटिविटी सता रही है, आपको यहाँ रुकना पड़ेगा, आपको गहरी पैठ है निगेटिविटी। आया समझ में? एक पहलवान लड़का था, उसकी एडी में 2 प्रेत बैठते थे और उसको कुश्ती नहीं करने देते थे, तो वो बहुत दिन तक बिना कुश्ती किए रह रहा था, और
बोलो शनिदेव महाराज की। तो वो बिना कुश्ती किए रह नहीं सकता था और रोज की पहलवानी थी उसकी। तब वो मेरे धाम पे रुका, दो चार महीने रहा, फिर उसने एक दिन दो ट्रॉली माटी जो है वो सारे धाम में फैला दी और उसके बाद से उसके एडी के प्रेत चले गए। जो वजन रहता था, जो भार रहता था, जो कुश्ती करने में दिक्कत देता था, वो सारा का सारा भार खत्म। वो राजकुमार जी, मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है कि मैंने आपको एक बार करके दिखा दिया कि आपको दोष है, तो आपको यहाँ रहना पड़ेगा। जब जब मुझे समय मिलेगा मैं आपको समय ज़रूर दूंगा, कोशिश करूँगा आप बहुत जल्द ठीक हो जाओ, और इतने तो ठीक हो जाओ कि आप नींद भी लो अच्छी, और क्या कहते हैं आपका शरीर भी भरता हुआ आ जाए। आप कोई बहरहाल काम तो करते नहीं होंगे घर पे, नहीं करते हैं तो आप अपने भाई को भेज सकते हैं, यहाँ पर रुक सकते हैं, अपना नित्य रह के इलाज करा सकते हैं, ठीक है ना, और मेरे हाथ की देवी केला खा सकते हैं। जय शनिदेव बोलिया। जय शनिदेव। डॉक्टरों पे आज तक आपने कितना पैसा खर्चा है किया है? घना कितना? लाखा रुपए ले लिए। लाखा क्यों ले लिए भाई? एग्जाम ले लिए, 10,000 का चेक कर, 20,000 का चेक कर, 20,000, 10,000, 30,000 इतने चेक के लेते हैं चेकअप के? फिर अभी चल के आए हैं उनके चेकअप में और दवाइयों के बाद से ऐसे चल के आए हैं? कभी नहीं आए। ऐसे कितने साल हो गए आपको हल्के पैसे चले? नोट कीजिएगा भाई लोग, 6 साल से ये चला नहीं है ऐसे हल्के पैसे, और दोष इसको नेगेटिविटी का है ये इसको आज पता चला है। 6 साल से जो भारत के एलोपैथी के डॉक्टर हैं वो इसकी चिकित्सा कर रहे थे, इसका पैसा लूट लूट के खा रहे थे और इसको बर्बाद करने की कगार पर ला दिया। मैं ये पूछता हूँ राजकुमार, जितना पैसा उन्होंने लिया क्या उतना पैसा आज तक अपनी ज़िंदगी में कमाया? भाई लोग ये बात भी नोट कीजिएगा, ये लड़का पढ़ा लिखा है, कितना प्लस टू इसने की, प्लस टू करने के बाद ये बीमार हो गया। मान लो ये नोट कीजिएगा कि अभी इसने 1 रुपया कमाया नहीं था, अभी ये घर वालों का ही खा रहा था, माता पिता का, भाइयों के द्वारा कमाया गया खा रहा था, और ये जब खा रहा था तो उसको दीर्घ अवधि हो गई है और ऊपर से डॉक्टरों को पैसे दे रहा था। माई लोड, भारत का एक एक नौजवान अगर ऐसे निगेटिविटी से ग्रस्त होगा और हम उसको ये कह के छोड़ देंगे कि इसको हो ये अंधविश्वास में ना पड़े और इसको डॉक्टरों से इलाज कराए, और डॉक्टर माय लॉर्ड इसको पूरा का पूरा ठग लेगा, और इसको मंत्र चिकित्सा की आवश्यकता थी, ना किसी एलोपैथी की, ना आयुर्वेदिक की, ना यूनानी की, और कोई औषधि की इसको माय लॉर्ड हो सकता है निगेटिविटी से इसको बहुत सारे रोग पनप गए हो, लेकिन आप भी अपना कृपा कीजिएगा, आप अपना आशीर्वाद दीजिएगा और मनु भैया से इसके लिए प्रार्थना कराते रहिएगा, ये स्वस्थ हो, सुखी हो और सुखी होकर अपने घर जाए। माय लॉर्ड, इसी में आपकी शनिधाम की लाज है, और आपने हजारों बार डॉक्टरों को फेल किया है, लाखों बार फेल किया है, क्योंकि डॉक्टर आपके सामने, आपके मंत्र के सामने, आपके नाम के सामने कहीं भी नहीं ठहर पाता है, वो केवल झूठ का अपनी रखा हुआ है उसने, और वो अपनी मशीनों से कभी कुछ बताता है। क्या ऐसा हुआ कोई टेस्ट आपने बार बार कराया उस पर हर बार अलग रिपोर्ट आई? ऐसा नहीं हुआ तो रिपोर्ट क्या आती है? बस शुगर तो वो इसलिए दिखाते हैं कि शरीर में मान लिया शुगर जैसा कोई रोग है, वो पनप गया है, अब वो शुगर आ रहा है, आपको कहीं भी दर्द है वो चेक कर रहे हैं शुगर, कुछ और तो चेक नहीं किया या किया? नहीं तो शुगर का एक बार का टेस्ट कितने का होता है? शुगर जैसे पैरों को करवा रहा हूँ, मेरे पैरों में दर्द है, तो ऐसे करते हैं, वही 10-20 हज़ार रुपये उसमें लग जाते हैं हर बार प्रक्रिया में, और ये करते करते 8-7 साल हो गए। राजकुमार, मैं यूँ पूछता हूँ कि आप मेरे से इतनी देर से बातें कर रहे हैं, आप लड़खड़ा भी अब कम रहे, आप स्वस्थता से खड़े भी, खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, इसका मतलब मैं राजकुमार ये बात मान सकता हूँ आप बड़े लंबे आदमी हैं, यानी कि मुझे आपकी तरफ ऐसे करके देखना पड़ेगा, ठीक है ना? राजकुमार, मैं ये मान रहा हूँ कि आप अपने शरीर को भी महसूस कर रहे हैं, आपने 8 साल डॉक्टरों से इलाज कराया, क्या उसमें इतनी स्वस्थता महसूस की जितनी अभी कर रहे हैं? आप एक बात बताइए, आपके इलाज में एक प्रॉब्लम हो रही है कि आपका इलाज होता गया और आपके रोग बढ़ते गए, ऐसा ही हुआ है? राजकुमार, नोट कीजिएगा माय लॉर्ड, ये एक मेन पॉइंट है कि ये डॉक्टर जिसका इलाज कर रहे हैं उसके रोग उल्टा बढ़ते जाते हैं, चाहे वो गठिया बाय है, चाहे वो सोराइसिस है। माय लॉर्ड,
आप वचन दीजिए कि इन डॉक्टरों का जल्द ही सत्यानाश करेंगे, इनको अपने तीर कमान से, अपने हंटर से और अपने शत्रुनीरों से और मिट्टी में मिला देंगे, खाद में मिला देंगे। और आप कलयुग के अधिपति राज फैसला कीजिएगा। बड़ा ही आप तो अद्भुत दिन है, हनुमान जी महाराज को भी आप मनाइएगा ताकि इन सब डॉक्टरों की गर्दन तोड़ी जा सके जिन्होंने राजकुमार का इतने दिन पैसा लगवाया था, उसको निगेटिविटी से रोग और करा दिया उन्होंने, रोग बीमारियां करार देखे, इसका पैसे पे पैसा लगवाए जा रहे हैं। एक बात और गौर करने लायक है, ये बच्चे ने आज तक एक पैसा कमाया नहीं। माय लॉर्ड, भारत का बहुत सारा युवा ऐसे दबा पड़ा है, ठीक है, एक दिन इन्हीं बीमारियों में उसका घर बिक जाता है। और घर अगर नरेंद्र मोदी जैसा कोई प्रधानमंत्री भी आके देता है तो उस घर की कोई कीमत इसलिए नहीं रहती क्योंकि जो ही वो किसी भी बीमारी का शिकार होगा और निगेटिविटी का शिकार होगा तो घर को डॉक्टर अपनी दवाइयाँ दे दे के बिकवा देगा और इतना पैसा उसका खर्च करा देता है। तो गरीब आदमी पे बड़ी मार पड़ रही है, कलयुग में अत्याचार बढ़ रहा है, कलयुग में अनाचार बढ़ रहा है और ये डॉक्टर अनाचार पे अनाचार, अत्याचार पे अत्याचार करते जा रहे हैं। माय लॉर्ड, कोई माता बहन इन्होंने छोड़ी नहीं है, जिसको 10 दिन कहीं दर्द हो जाता है तो उसको बता देते हैं कि तेरा यहाँ से पेट कटेगा, तेरा यहाँ से पैर कटेगा, तेरा यहाँ से घुटना कटेगा। माय लॉर्ड, हम ये कहते हैं आपके दरबार में आने वाले लोगों की अगर रोग वीडियो देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि पैर नहीं कटना है, घुटने में प्रॉब्लम थी कोई हो और डॉक्टर ने ऑपरेशन करके आपके द्वारा दिया गया असली घुटना नकली घुटने में बदल दिया और आपकी बजाय खुद को भगवान साबित कर दिया। माय लॉर्ड, इसका न्याय आपके हाथ में है, हम तो केवल गुहार कर सकते हैं। मेरे साथ मिलके सारे बोलिए, बोले गरीबों करो पुकार, निर्विकार वो अधमो द्वारक ले ले जो अवतार, गरीबों करो पुकार, करो पुकार। बोल दीजिए जय शनिदेव, जय शनिदेव।